गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल से लास्ट एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। उसमें हमने कल आपको आइडेंटिटीज 4 लिखवा दिया था, 4 आइडेंटिटीज जो आप क्लास 8 में पहले से ही पढ़ चुके हैं। अभी जो बाकी की आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज मीन्स एक सेट स्टैंडर्ड होता है, उसका यूज करके है तो वो भी क्वेश्चन ही, बट उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है और उसको एज अ फार्मूला भी यूज करते हैं। तो बाकी की जो आइडेंटिटीज है आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिख दिया है। जो फिफ्थ आइडेंटिटीज है, ठीक है, अगर 3 नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, पहले नंबर का स्क्वायर तो फार्मूले तो बहुत सारे हैं, आप कितना फार्मूला बाइवर्ट करेगा, बट करना पड़ेगा। तो आप इन सबको एक ऑर्डर में लिखना है, उन सबको क्या करना है, एक ऑर्डर में लिखना है और थोड़ा लॉजिकली और माइंड में एनालिसिस करना है कि कैसे किस फॉर्मूले को लिखा गया है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो इजी है आपको याद करना फार्मूला, अदरवाइज बहुत सारे फार्मूले हैं और इजी भी है, आप ट्राई करोगे तो याद भी हो जाएगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक देखना है कि कैसे आपको याद रखना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इससे रिलेटेड, तो ऑटोमेटिक आपके वो फार्मूले आपके दिमाग में हमेशा के लिए बन जाएंगे। दो मेथड है आपको फार्मूला याद करने का, एक तो एक सिस्टमेटिक तरीके से और एनालिसिस करें अपने माइंड में कि उसको अच्छे से कौन सा कैसे आ रहा है। जैसे यही होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले जैसा मिल रहा है, उसी तरीके से इसको बाई कट कर लेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड, पहले लिख लो अपना मल्टीप्लिकेशन, देन लिख लो अपना मल्टीप्लिकेशन, जो लास्ट में उसको फिर लिख लो मल्टीप्लिकेशन, तो आपके साथ है, क्लियर। अब ऐसे 6 जो है, ये इसके पहले स्क्वायर का पढ़ा, फिफ्थ तक अपनी स्क्वायर का पढ़ा, अब आते हैं क्यूब का। अगर क्यूब का तो क्या होगा, आप सोचेंगे सर क्यूब है, एक्स का पावर 4 होगा तो क्या होगा, तो ज्यादा वरी नहीं होना। अगर एक्स का पावर क्यूब तक आपको याद है तो वो भी हो जाएगा, बस उसको स्प्लिट करके करना है। पहले देखते हैं 6 एक्स प्लस वाई का क्यूब, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले नंबर का क्यूब फर्स्ट नंबर का क्यूब कर देना है, फिर दूसरे नंबर का क्यूब कर देना है, फिर क्या करना है, माइनस है तो माइनस हो गया, है सेम, बस साइन क्या हो गया, चेंज हो गया,
क्लियर। अब आता है कि क्यू हो गया, ठीक है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यू होगा तो कैसे करोगे? अगर एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यू होगा तो कैसे करोगे? वेरी सिंपल, आप ब्रेक कर लो, ब्रेक मीन्स इसको मान लिया क्या है, ये पूरा ब्रेक कर लो, आता होगा दिमाग में ये तो टू नंबर का क्यूब है, टू नंबर का स्क्वायर था तो चला गया, थ्री नंबर का स्क्वायर था तो निकल गया, अगर थ्री नंबर का क्यूब है तो कैसे करेंगे, अगर ऐसे तो कैसे करोगे, क्या होगा इसे? तो वेरी सिंपल, किसी एक मीन्स दो को जैसे एक्स प्लस वाई है या वाई प्लस किसी को, इसको मान लिया हमने ए, इसको क्या देगा
सेट ऐसे होल्स पर वाला कर सकते हैं, अभी इसको दिखाई जा रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको डिराइव कैसे करोगे, एक्स प्लस वाई का एक्सप्रेस कैसे करोगे, मैं आपको एक दे रहा है आप ट्राई करना आपको आ जाएगा, इस एक्स प्लस वाई का क्यू है, ये आइडेंटिटी कैसे आया, ये कैसे आया, तो वेरी इजी, आपको क्यों नहीं पता है, बट तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई भी एक्स प्लस वाई का लिख सकते हैं, अगर आपको एक्सपोनेंट एंड पावर याद होगा तो चैप्टर में पढ़ा दिया, इस किसका पावर क्यूब है, तो हम इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर क्या है, मल्टीप्लाई है, बेस से है, क्या आपको पावर आया होता है, क्लियर, अब ये आपको आता है, ये आपको आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर इसको एक्सपेंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, और ये ब्रैकेट में आपको और क्लास एट में आपने फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया था, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई करना है और आपका आ जाएगा टू, ऐसे इसका भी चाहे तो माइनस वाला वर्क करेंगे तो चलेगा, इसका तो ये प्लस साइन है तो ये वाला देखो, थर्ड ये क्लियर हो गया ना, कैसे प्रूफ करोगे एट तक आप कैसे प्रूफ कर रहे हैं आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अच्छी अभी बताया हमने एक इसको कर दिया, इसको आपको पता है एक्स मैं फिफ्थ भी यही कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मान लिया क्या ए और ये क्या हो जाएगा हमारा जेड, जेड नहीं क्या हो जाएगा ए प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर आप मानते हैं और जब एक्सपेंड कर लेंगे तो ए की वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई खत्म कर देंगे लास्ट में, तो ये इसका प्रूफ आ जाएगा, इसका प्रूफ आपको अभी बताया एक कैसे करेंगे, सेम वैसे इसका हो जाएगा, इसका प्रूफ कैसे करेंगे अभी देखें आप, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हम कहते हैं थर्ड भी हाँ, और एट एट का प्रूफ कैसे होगा, एट का प्रूफ कैसे होगा अभी देखो आप, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ये दिखा रहा है, ये किस पे आता है x2 + y, आपको याद होगा ये आता है x में, x plus y का क्यूब करते हैं क्या होता है, x cube plus y cube plus 3x y और x plus y होता है, इसमें देखो ये है x plus y cube है, x cube plus y cube, ये फार्मूला यहीं से डिराइव होगा, समझता रहे तो हमें ये चाहिए, तो हम इसको इसी से ऐड करके बात क्या करें ट्रांसफर कर दें, समझ में आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको एक्स प्लस वाई का क्यू ये इधर ही रहेगा, इसको ट्रांसफर करना है इधर और ये भी आएगा क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई हो जाएगा हो जाएगा, ये बच जाएंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्लियर है, मैं एट का प्रूफ कर रहा है आप नाइन कर देना ठीक है, फिर अभी देखो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, यहां पे क्या बचेगा x plus y का whole square, यहाँ बचेगा एक कॉमन हो गया, वन पावर कॉमन हो गया, टू तो बचेगा यहाँ पे ना, और यहाँ भी एक पावर कॉमन हो गया, क्या बचेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा x क्यू प्लस y क्लियर, इसको थोड़ा ओपन करो, x plus y का whole square ओपन करेंगे आप, तो ओपन करेंगे क्या बचेगा x square प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और ये हमारा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये हमारे आइडेंटिटीज है एक्स टू प्लस वाई क्लियर,
टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई क्या हो जाएगा माइनस एक्स जो फार्मूला दिया है समझ में आया कहां से डिराइव हुआ है तो ये आपको बाई हर्ट कर लेना है अगर बाई हर्ट नहीं होता है तो कभी इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है तो कहां से डिराइव करोगे आप एक्स प्लस वाई का होल क्यू वाले फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं मतलब उसको प्राप्त कर सकते हैं क्लियर है कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए अब नाइन नाइन्थ जो आइडेंटिटी है सेम ऐसे ही हो जाएगा ये प्लस का ध्यान नहीं बदल गया माइनस वाला फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे आइडेंटिटी और आपका नाइन का डेरिवेशन हो जाएगा टेन लास्ट जो आइडेंटिटी है हमारी लास्ट आइडेंटिटी क्या है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी जितना भी नहीं लगा इंपॉर्टेंट अक्सर कुछ पूछा रहता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड इन और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एक्स क्यू क्लियर है इसका प्रूफ क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका और भी प्रूफ है ठीक है आप इसका LHS लेके चलेंगे सॉरी RHS लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा ठीक है ये इसका प्रूफ है अभी या एक्सपेंड करके देखेंगे x plus y plus z का पहले किया था वहां से ट्राई करना अगर हो जाता है तो अच्छा है तो ये हमारे 10 आइडेंटिटीज हैं क्या है हमारे 10 आइडेंटिटीज हैं क्लियर है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से क्या डाउट आप इसको अच्छे से एक ऑर्डर में लिखोगे और उसको बाई हर्ट करोगे बाई हर्ट नहीं होता है तो क्वेश्चन बार बार सॉल्व करोगे एक बार बाई हर्ट दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करना तो फार्मूला राइट करना है कौन सा आपने आइडेंटिटी यूज किया जब आप उसको बार बार राइट करोगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा ऐसा नहीं कि हाँ ये आइडेंटिटी यूज किया नहीं उस आइडेंटिटी को पूरे डिटेल में लिखना है ठीक है अगर ये आइडेंटिटी यूज करना है तो लिखना है ये आइडेंटिटी पूरा एक्सप्लेन करना है उसको एक्सप्लेन करके लिखना है ऐसा नहीं आइडेंटिटी एट यूज किया ये आइडेंटिटी यूजिंग एट एट तो हमें पता है आपको पता है कभी कभी हमें भूल जाएंगे ये कौन सा आइडेंटिटी है इसलिए पूरा एक्सप्लेन करके आइडेंटिटीज को लिखना है तो अभी आते हैं एक्सरसाइज 2.5 पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 पे हम थोड़ा इसको ये से छोटा कर सकते हैं इसको हम शाम आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सारी आइडेंटिटीज याद कर लेंगे हम लोग भी जब भी क्लास आपकी क्लास में तो सबसे बोलते थे अरे सर कैसे इतना याद करेगा बहुत सारा फॉर्मूला है बट इसका एक ही समस्या है जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आइडेंटिटीज को राइट करोगे वहां पे जितने क्वेश्चन आता है राइट करो थोड़ा बोरिंग है बट राइट करना है और आपको माइंड बन जाएगा कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हो लिखते रहेगा अभी आते हैं एक्सरसाइज 4z स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 4z का यूज स्क्वायर निकालना है अब सोचो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेगी इतनी सारी तो आइडेंटिटीज है एक तो पहला बेनिफिट नहीं है कौन सा आइडेंटिटी यूज करेगी तो देखो जरा इसमें कितने टर्म है 1, 2, 3 टर्म है स्क्वायर है कौन सा आएगा हमारा फिफ्थ आइडेंटिटी देखो जरा
थ्री टर्म है, एक्स प्लस एक्स वाई और जेड और स्क्वायर है। अब चूंकि आप देखोगे इसमें केवल एक्स और वाई और जेड है, बट यहाँ पे क्या है एक्स, चलो मिल गया, वाई के साथ टू भी है, तो ये कंफ्यूजन नहीं है ना केवल वाई पे ही करना है, वो वाई का मतलब ये पूरा टर्म है, ये अपार्ट में अलग टर्म है, ये पूरा टू वाई दूसरा टर्म है और ये पूरा हमारा क्या है फोर जेड तीसरा टर्म है। जो भी कोफिशिएंट उस नंबर पे थर्ड पोजीशन पे जितना भी आएगा सारा का स्क्वायर क्यों करना है, स्क्वायर जो भी करना है, ये पूरा हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अब इसका स्क्वायर करना है, तो यहां पे टी होगी, वी नोट इट सॉल्व, या ये कितनी चीज हो गई, वी नोट इट, वी नोट इट क्या जानते हो ना जो आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस है तो उसको ब्रैकेट में दो माइनस है, उसको प्लस प्लस लगा सकते हैं, जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस
समझ में आया क्या क्या करना है? हाँ वेरी गुड, और ये हो जाएगा हमारा थोड़ा ब्रेक चेक मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल ब्रेक यूज कर दिया बाहर दिया बराबर इस पर इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, बस अपने लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया। और आप देखो ये हमारा प्लस हो गया और ये भी हमारा प्लस हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है माइनस वाई जो हमारी माइनस वाई और ये हमारा जेड क्लियर। और देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, फिर लिखोगे जितनी बार लिखोगे उतने आपके एक फायदेमंद होगा। x square plus y square plus z square plus 2xyz, 2xy plus 2yz plus 2zx. You get it? यहाँ पे जो हमारा x का भी क्या है? 2x है minus ये हमारा z. ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये हमारा z. ठीक है? अब बस पहले का square 2x का स्क्वायर प्लस y y की जगह क्या बना माइनस वाई इसका स्क्वायर प्लस z की जगह पे z z का स्क्वायर प्लस 2x की जगह क्या हमारा 2x है नेगेटिव लिखो y है माइनस y है y की जगह पे माइनस y है। ये चीज थोड़ा सा आपको केयरफुली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस y हमारा माइनस वाई हो गया z प्लस टू z और x कितना हमारा टू एक्स, ये बेसिकली कुछ है सर x की जगह पे हमने टू एक्स लिखा है x लेके चले आते हैं इंटरप्रिटेशन में कुछ लगता है ये क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर ये माइनस वाई का स्क्वायर है कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन देन कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन देन वेरिएबल मल्टीप्लाई करके रेगुलर हो गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं इसको ट्राई कर लेना और हर पार्ट में आप फार्मूला जरूर राइट करना ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है बट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट है। अपोजिट इन सेंस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है हमारा राइट हैंड साइड तो बस क्या हो गया हाँ वेरी गुड आप कर सकते हो 5 बट मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 से पूछ सकते हो। ठीक है मैं पहला क्वेश्चन से आपको देता हूं फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड माइनस सिक्सटीन जेड एक्स जेड या जेड एक्स ये हो गया। अभी इसमें सोचना है आपको क्या
एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो गया टू एक्स वाई, एक्स वाई तो है और टू भी आएगा और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, एक्स अगर कौन सा हो गया टू एक्स और वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे टू इंटू फोर, टू इंटू फोर फिर टू इंटू टू फोर, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, एक्स वाई आ गया क्लियर। अभी जरा नेक्स्ट रूम देखें, नेक्स्ट रूम में क्या है माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड, माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं आपने यहां पर सोचना है, इसको प्लस कर दें एकदम और मैं नहीं देता थोड़ा आप और क्लियर हो जाए। अब इसको लिखना है आप कैसे हो सकता है, यहां पे टू आएगा, यहां पे जो आएगा क्या हो जाएगा वाई, यहां पे जो आएगा क्या हो जाएगा जेड, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव फॉर्मूले के हिसाब से प्लस होता है, प्लस कर दिया या तो यहां पे नेगेटिव होगा नहीं तो यहां पे नेगेटिव होगा, या तो यहां पे नेगेटिव होगा नहीं तो यहां पे नेगेटिव होगा, कहां पे नेगेटिव हो सकता है ये चीज ध्यान रखना है, तो कहां पे हो सकता है तो ये है हमारा वाई और ये हमारा जेड। जरा देखें अगर किसी नेगेटिव नंबर में स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बट यहां ये वाला जो नहीं दिया देखो जरा इसके साथ क्या है प्लस है, यहां पे एक्स और वाई है, एक्स और वाई x को प्लस ही है इसमें कोई डाउट नहीं, y यहाँ पे जब इसके साथ y आ रहा है ये निगेटिव हो जा रहा है, तो या तो y निगेटिव होगा या तो z निगेटिव होगा, या तो y निगेटिव होगा या तो z निगेटिव होगा, अगर y निगेटिव होता तो ये भी क्या हो जाता निगेटिव हो जाता, अगर ये y निगेटिव होता तो यहाँ पे भी निगेटिव होता ना सही हो रहा, बट यहाँ पे पॉजिटिव इसका मतलब y पॉजिटिव, निगेटिव कौन सा होगा हमारा z वाला, तो हमारा वाई कितना है थ्री वाई और जेड कितना है हमारा फोर जेड, तो हमारा जेड क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, जेड और क्या हो जाएगा निगेटिव, देखो टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर, वाई इंटू जेड वाई जेड, पर उसकी निगेटिव साइड है पीछे प्लस और माइनस साइड है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा पहले वाला आ जाएगा, इसका मतलब हमारा जो जेड ओवर टर्म है वो निगेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप करना, क्वेश्चन नंबर सेवन भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूरा ए क्यू वाला फॉर्मूला है, ए
सिक्स और सेवेंथ आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे, सिक्स और सेवेंथ आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देखें बुक में, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये आपका होमवर्क है, आप आइडेंटिटी यूज करेंगे ये और ये इक्वल, और क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन जरा देखें, क्वेश्चन नंबर सेवन में बता देता है फर्स्ट आपको 99 का क्यू निकालना है, इसमें भी 6 और 7 आइडेंटिटीज ही यूज होगा। 99 का क्यू यूजिंग द आइडेंटिटीज, तो कैसे करोगे आप 99 से क्यू कर सकते हैं, 100 माइनस 2 कर सकते हैं और इसको क्यू कर देंगे, फिर आपको 99 को 100 माइनस 2 99 और इसका क्यू कर देंगे और ये हमारा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y, x माइनस y का होल क्यू यानी कि 7th आइडेंटिटीज आप यूज करेगा। हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटीज राइट करनी है, जहां पे भी जो आइडेंटिटी यूज करेगा वहां पे राइट करना आपके लिए फायदेमंद होगा, तो ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना? अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, आप क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9 तो कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 9 देखे जरा, क्वेश्चन नंबर 9 है ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ ऑफ इट है, ऑलरेडी प्रूफ, ऑलरेडी प्रूफ किया अभी जस्ट से पढ़ लेते क्या है ना आइडेंटिटीज वाला, आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 8 और बदन 10 से कंटिन्यू करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, तब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और देन 10 से कंटिन्यू। क्लियर, आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको करना है। ओके थैंक यू, बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेगा और आइडेंटिटी बाय हार्ट करेगा। थैंक यू।